टू एक्सरसाइज में हेल्पफेयर। 19 तारीख को जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला आरआरबी असिस्टेंट, उसके बारे में थोड़ा सा टिप्स देना चाहता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट। एग्ज़ाम जो है दो सेक्शन का है, 40 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का है। टाइम जो है 45 मिनट्स कंपोजिट टाइम है, वहाँ पर सेक्शन टाइमिंग देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए 45 मिनट्स आपको दोनों सेक्शन में खुला ही मिलेगा आपको। तो अब एक ही सेक्शन में 40 मिनट्स टाइम नहीं लेना है। एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम हॉल में आप खुद टाइम को फिक्स कर लीजिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट और रीजनिंग के लिए 20 मिनट, ये मेरा सलाह है, सजेशन है। फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हैं। नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, इनमें से आपको 25 नंबर को तो मिलेगा ही। इस 25 नंबर को आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर दोगे तो सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग में भी ऐसे ही है, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, उसके बाद में इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, पजल सिटिंग अरेंजमेंट, इस हिसाब से आप जाओगे तो आपको टाइम बचत होगा। और बाकी बचा हुआ 5 मिनट आप रिवाइज कर सकते हैं, या किसी क्वेश्चन को डाउटफुल होगा बाद में करूँगा सोच के आपने रखा होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि वो ज़्यादा सभी क्वेश्चन को कर दिया फिर भी वो 5 मिनट को संभाल करके वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़रूरी है अब एक्यूरेसी के साथ करना। वहाँ पर किसी सवाल में टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। आपको लगता है कि इस क्वेश्चन आपको टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप करके बाद में उस क्वेश्चन को देखना है, एक ही क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद आपके बार एग्ज़ाम में उन्होंने सोशल डिस्टेंस मोड एग्ज़ाम करके एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपको मेल और SMS और ये जो हॉल टिकट में जो टाइम मेंशन किया हुआ है उसी टाइम रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचना है एग्ज़ाम सेंटर में, उससे ज़्यादा पहले नहीं पहुंचना है। और मैपिंग जो कैंडिडेट रोल नंबर वगैरह, जो लैब नंबर वगैरह नोटिस बोर्ड में चिपकाया रहता है वो आपके पर नहीं होगा, आपको कैंडिडेट को इंडिविजुअली बताया जाएगा जो वहाँ पर एंट्री गेट होगा वहाँ पर। उसके बाद जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, उन लोग मास्क जो है N95 हैंड ग्लव्स और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और सैनिटाइजर 50 ml का और एक सिंपल पेन, और इसके अलावा इसके बाद जो एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, जो कॉल लेटर, फोटोकॉपी और फोटो आइडेंटिटी और उसमें एक फ़ोटो चिपकाया हुआ, ये सब कैरी करना है। उसके बाद एक ऐप आपको सबको मालूम है, आरोग्य सेतु, इस ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ होना चाहिए। वो कैंडिडेट रिस्क फैक्टर जो है वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे एंट्रेंस एंट्री में उनको दिखाना है। उसके बाद आप फ़ोन को स्विच ऑफ करके जिस जगह पे आपको अलर्ट किया हुआ है मोबाइल डिपॉजिट का वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया हुआ है हॉल टिकट में, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, वो कैरी नहीं कर रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर की तरफ, उनको ये फॉर्म सबमिट करना होता है। साथ में एक प्रिंटआउट भी लेके जाइए, किसी सेंटर में ये भी बता सकते हैं कि आप इस फॉर्म को भी भर के दीजिए, तो लास्ट मिनट में आपको थोड़ा सा भागम भाग नहीं होगा, तो एक छोटा सा एक पेपर ही है कैरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा मेरा एक एडवाइस है, लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो फ्री छोड़ देना। एक्यूरेसी के साथ अटेंड कर लीजिए, ये नहीं कि मैंने 40 क्वेश्चन को 40 करना है या 80 क्वेश्चन को 80 पूरा करना है, ये मोटिव नहीं रखना है। एक्यूरेसी के साथ आप 20 सवाल भी करोगे तो आपका एग्ज़ाम पार हो जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड, N95 मास्क, हैंड ग्लव्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी प्रूफ है, ये सब एक दिन पहले ही लेकर रख लो। कल एक दिन बचा हुआ है, शनिवार को पेपर है, इसलिए आप पहले ही उसको रेडी करके रख लीजिए। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ के लिए गेस अटेम्प्ट मत करना। मैंने अभी 20 सवाल अच्छा कर दिया, 15 सवाल अच्छा कर दिया और बचा हुआ सवाल को मैंने थोड़ा सा तुक्का लगा देता हूँ या थोड़ा गेस मार देता हूँ, तो इस चीज़ को अवॉइड करना एग्ज़ाम में। उसके बाद एक ही सवाल में अटकने रहना।
एक सवाल में आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम करा रहा है तो उस सवाल को स्किप कर दीजिए, दूसरा सवाल सवाल पे जाके टाइम निकाल लेना, वहाँ पर जिस जगह पर आपका टाइम बचेगा उस टाइम पे इधर आके दोबारा आप कर सकते हैं। बाकी आप एग्ज़ाम अच्छा करने के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट देता हूँ, और जो मौका है बार बार नहीं मिलेगा, जो मौका मिलता है उसको अच्छी तरह फ़ायदा उठा लीजिए उसका। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।